हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इजीली बर्गर बनाएंगे। एकदम झटपट रेसिपी है, एकदम तामझाम फ्री, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। इसके लिए हमें कोई पैटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये है एग भुर्जी बर्गर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 मिनट के लिए इसे भुनेंगे। फिर इसमें अनियन डालेंगे, ढेर सारा अनियन है। अब ग्रीन चिली डालेंगे, इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से हम भुन लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट, इसे मिक्स करेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटो चॉप्ड करके, इसे मिक्स करेंगे, इसे 5 मिनट के लिए हम भुन लेंगे। फिर मिडिल में हम जगह बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे 1 टीस्पून के अराउंड। अब इसमें हम 3 eggs ऐड करेंगे, अच्छे से इसे क्रम्बल करके हमें फ्राई करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसे मिक्स करेंगे, 2 मिनट बाद इसमें एक चीज़ डालेंगे। आप कोई सा भी चीज़ डाल सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो। इसे मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा टमाटो केचप 1 टीस्पून के अराउंड, और 1/2 टीस्पून के अराउंड इसमें ऐड करेंगे हम चिली सॉस। लास्टली इसमें हम चॉप्ड धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। बर्गर बन ले लिया है। अब इसे मिडिल से हम कट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके एग भुर्जी डालेंगे। आप जितना चाहो डाल सकते हो। अब इसे बंद कर देंगे। आप चाहो तो ऐसे ही इस बर्गर को खा सकते हो। मैं सेकंड वे भी दिखाती हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा एग भुर्जी डालेंगे और ऊपर से हम सलाद डालेंगे। मैंने लिया है क्यूकम्बर, अनियन एंड टमाटो, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो देखिए कितना इजीली बर्गर बनके रेडी है। अब तामझाम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी लगे कि बर्गर खाना है तो बना लीजिए, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।